हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी ट्रेडिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से वाले लेटेस्ट लैपटॉप्स के बारे में, जो कि तीन लैपटॉप्स है, सेम ही है पर मॉडल्स तीन है। इसका नेम जो है वो Redmi Book से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर Redmi Book 13, Redmi Book 14, Redmi Book 16 नाम से जो है ये लॉन्च हुए हैं। और यहाँ पे तीनों में एक कॉमन चीज़ क्या है कि AMD Ryzen 4000 का सीरीज वाला जो CPU है तीनों में ही सेम है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी Xiaomi के Redmi Book के बारे में आप सभी को बताता हूँ, तीनों ही जो है लैपटॉप्स के बारे में ये तीन वेरिएंट्स आते हैं। तो यहाँ पे Xiaomi ने जो है लॉन्च कर दिया अपने Redmi Book को, Redmi Book के मॉडल्स को कहूँगा मैं, चाइना में तीन मॉडल्स लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पे जो तीनों ही लैपटॉप्स हैं Redmi Book 13, 14, 16 सभी में AMD Ryzen 4000 सीरीज़ वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है और मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में आते हैं। 16GB की रैम तक आपको मिल जाएंगे, 1TB स्टोरेज तक आते हैं। और यहाँ पे जो है जो नेम है इनका, जैसे कि Redmi Book 13 है, तो यहाँ पे जो 13 है वो जो है सजेस्ट करता है कि 13 इंच का डिस्प्ले होगा। अब 14 है तो 14 इंच का होगा, 16 है तो 16 इंच का होगा। यहाँ पे तो तीन मॉडल्स हैं, 13 इंच, 14 इंच एंड 16 इंच। स्लिम बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं। तीनों ही लैपटॉप्स थिन एंड लाइट हैं और यहाँ पे जो है सेल पे जाएंगे जून 1 को चाइना में। तो इनकी मैं स्पेसिफिकेशंस आपको बताता हूँ, क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस। तो मैं बात करूँ अब Redmi Book 13, 14 एंड 16 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो तीनों में ही जो डिज़ाइन है वो आपको सेम देखने में मिलेगी। तीनों में ही एस्थेटिक वाला डिज़ाइन यहाँ पे शेयर करने को देखने को मिलता है। तीनों की डिज़ाइन जो है सिमिलर है, कुछ भी चेंजेस डिज़ाइन में मैं कहूँगा नहीं है। यहाँ पे चेंज हो सकता है थोड़ा सा जो है इसकी प्रोसेसर्स में। तो यहाँ पे जो Redmi Book 13 है उसमें आपको जो है इन तीनों में ही 7 नैनोमीटर वाला AMD का Ryzen 4000 सीरीज मोबाइल CPUs तो मिल ही जाते हैं। और यहाँ पे AMD का Ryzen 5 4500U या फिर AMD Ryzen 7 4700U वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो जो Redmi Book 13 एंड 14 है उसमें आपको AMD का Ryzen 5 4500U वाला यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और जो Redmi Book 16 है थोड़ा हायर वेरिएंट है, तो उसमें आपको AMD का Ryzen 7 4700U वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 16GB की DDR4 रैम मिलेगी और जो है 512GB तक यहाँ पे आपको SSD स्टोरेज भी मिल जाती है। तो मैं बताऊँ Redmi Book 13 के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो है Ryzen का 7 CPU देखने को मिलता है, 16GB की रैम देखने को मिलती है, 1TB की यहाँ पे SSD देखने को मिलती है। ग्राफिक्स जो है वो AMD का Radeon वाला इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स चिपसेट में आपको देखने को मिलेगा। तीनों ही यहाँ पे लैपटॉप जो है वो तीनों थिन एंड लाइट है। तो फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है 1920x1080 पिक्सल्स का। इसका जो है इनके जो डिस्प्लेस का जो पिक्सल्स रेट है वो है फुल HD है, 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे Redmi Book 13 जो है एंड Redmi Book 14 दोनों में ही आपको 250 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, पर Redmi Book 16 में आपको 300 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 13 एंड 14 इंच वाले मॉडल्स में आपको Redmi Book जो है 40Wh की बैटरीज दे देता है, जहाँ की 16 इंच वाले मॉडल में आपको जो है 46Wh की बैटरी देखने मिलती है। थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे 16 इंच, क्योंकि स्क्रीन भी थोड़ा सा बड़ा है, तो कंपेयर टू 14 एंड 13 इंच यहाँ पे आपको 46Wh की बैटरी देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनों ही लैपटॉप्स में आपको USB Type-C पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, रेगुलर USB टाइप ए पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, HDMI पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, 3.5mm का हेडफोन जैक मिलता है और यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है। बात करूँ स्पीकर्स की, तो यहाँ पे 2W के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, DTS ऑडियो प्रोसेसिंग मिलती है आपको, विंडोज 10 जो होम है वो चाइनीज एडिशन वाला आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा इसमें। तो Redmi Book 13 जो है वो 1.2kg का है और Redmi Book 14 भी 1.2kg का है, पर जो Redmi Book 16 है वो आपको थोड़ा सा 1.8kg तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा Redmi Book 13 एंड 14 बहुत ही लाइट है, यहाँ पे Redmi Book 16 भी उतना जो है वज़न नहीं है इसका, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा लाइट ही है, थिन है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी दिखती है, बेजल लेस डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये मैं कहूँगा सिमिलर टू एप्पल के जो है मैकबुक्स होते हैं वैसा ही कुछ डिज़ाइन देखने को मिलता है आपको, थोड़ा थोड़ा सिमिलर वैसे ही है। तो यहाँ पे एक जो है तीन लैपटॉप्स आ जाते हैं, एक नहीं कहूँगा तीन लैपटॉप से नेम एक है,
यहाँ पे बात करूँ प्राइस की, तो जो Redmi Book 13 है वो स्टार्ट होता है 40,000 रुपीस से, डिपेंड करता है आपके रैम वेरिएंट पे। तो ये जो है आप खरीद, अगर Redmi Book 13 AMD Ryzen 5 4500U CPU के साथ में प्लस 8GB रैम 512GB SSD वेरिएंट वाला अगर आप ख़रीदते हैं तो ये पड़ता है आपको 40,200 रुपीस में। अगर आप ख़रीदते हैं AMD Ryzen 5 4500U CPU वाला तो यहाँ पे आपको 16GB की रैम और 512GB की SSD स्टोरेज मिलती है, वो आपको जो है 42,300 रुपीस तक हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर में भी चेंजेस मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है प्रोसेसर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप ख़रीदते हैं AMD Ryzen 7 4700U CPU 16GB रैम 1TB SSD वेरिएंट वाला तो यहाँ पे आपको करीब करीब 53,000 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा Redmi 13। यहाँ पे सिल्वर कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग प्राइस जो है मैं कह सकता हूँ कि 40,000 रुपीस है, और यहाँ पे 14 इंच जो है 16 इंच है उनके प्राइस और भी आगे इससे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि चाइना में जो है इसी प्राइजेस पे ये लॉन्च हुए, तो मैं कन्वर्ट करके आपको सीधा बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग प्राइस तो है यहाँ पे 40,000 रुपीस, अगर आप जो है एक लैपटॉप इसमें से पिक करना चाहते हैं तो। अभी तो ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जब लॉन्च होगा तब देखते हैं कि ये जो है इंडिया में कौन किस प्राइस पे आते हैं। अभी तो चाइना में लॉन्च हुए हैं, अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुए हैं मैं कहूँगा। तो चलिए देखते हैं कब आता है इंडिया में, और इसे जो है कैसे यहाँ पे किस तरह का नेम एंड फेम मिलता है। रेडमी के फ़ोन्स की तरह ही ये भी सक्सेस हो सकता है कि नहीं, ये पता चलेगा जब ये लॉन्च होगा रेडमी बुक जो है इंडिया में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको कैसा लगा ये रेडमी का जो है लैपटॉप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।